इस वक्त की बड़ी खबर बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी प्रमुख से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हुए हैं। अचानक से लगातार वो एनडीए से नाराज चल रहे हैं। दिल्ली वो जाकर वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है। आपको हम बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार मुकेश सहनी चर्चे का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो फूलन देवी के पुण्यतिथि पर वहां उत्तर प्रदेश में शहादत दिवस मनाएंगे, जिसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें शहादत दिवस मनाने की इजाजत तो नहीं दी और वाराणसी एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद उनकी नाराजगी बिहार में देखने को मिली। बिहार में जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई, उस बैठक में मुकेश सहनी ने उसका बहिष्कार किया। सीधे तौर पर उनका जो नाराजगी था देखने को मिला बिहार में। अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुकेश सहनी अचानक से दिल्ली रवाना हुए हैं। वहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। आपको हम बता दें कि बीते ही दिन उन्होंने कहा था कि जो लोग भी पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि मेरा नाम मुकेश सहनी है, मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, उस पर्दे को आग लगा दूंगा। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी थी, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कयासों का बाजार इसको लेकर गर्म था कि बीजेपी जो है वीआईपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ही कहा कि वीआईपी के सारे विधायक जो है वो एकजुट है, हम मजबूत पार्टी है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती है। आपको हम ये भी बता दें कि जिस दिन मुकेश सहनी ने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार किया था, उस दिन उनके ही पार्टी के विधायक ने उन पर बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में उपेक्षित खुद को महसूस नहीं करते हैं तो फिर मैं भी खुद को वीआईपी में उपेक्षित महसूस नहीं करता हूं, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई। अब मुकेश सहनी ने बीते ही दिन कड़े कड़े शब्दों में बीजेपी को चेतावनी दी है। मुकेश सहनी ने बीते दिनों ये कहा कि जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं, मैं उन्हें एक बात साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम मुकेश सहनी है और मैं उस पर्दे को आग लगा दूंगा जिसके पीछे से खेल खेला जा रहा है। हालांकि मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि उनके सभी विधायक एकजुट हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने विधायकों को लेकर सहनी काफी परेशान है। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए के अंदर जो भी है वो हमारा इंटरनल मामला है, कहीं पर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हालांकि कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, ऐसे साथी से कहना चाहूंगा कि वो पर्दे से बाहर निकलकर बात करें, मेरे पार्टी के विधायक मेरे साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें तोड़ दे। मेरी पार्टी में सब लोग स्वतंत्र हैं, उन्हें अपनी बात रखने की आजादी है, जो भी विधायक अपनी बात रख रहे हैं मैं उनकी बात को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। तो बीते दिनों जिस मुकेश सहनी ने ये कहा कि मैं उस पर्दे के पीछे आग लगा दूंगा जो लोग मेरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि वीआईपी के ही एक विधायक ने मुकेश सहनी पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो मुकेश सहनी ने फैसला लिया है एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं होने का, उन्होंने किसी से भी राय मशवरा नहीं किया है। अब आपको बता दें कि बीते ही दिन मुकेश सहनी ने बीजेपी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि कुछ लोग हैं जो मेरे विधायकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम सन ऑफ मल्ला है, पर्दे के पीछे से खेल ना खेलें, अगर कुछ बोलना ही है, अगर हैसियत है तो फ्रंट में आकर खेल खेले, बैक फुट पर रहकर नहीं। अब इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी अचानक से दिल्ली रवाना हुए हैं। वहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने समय मांगा है। बहरहाल आगे जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक लेके आएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।